कोविड महामारी के दौरान कोविड पॉजिटिव मरीजों की सेवा में जुटा हुआ भोरंज उपमंडल का हैप्पी क्लब धमरोल के सदस्यों को बेहतरीन काम करने पर प्रदेशवार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने सम्मानित किया। एडवोकेट रोहित शर्मा ने क्लब के सदस्यों को पीपीई किट, सैनिटाइजर के अलावा आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। इस मौके पर रोहित शर्मा ने सरकार से मांग की है कि कोविड महामारी के दौरान नन्हे बच्चों के द्वारा भी अपनी जान की परवाह न किए कोविड पॉजिटिव मरीजों के दाह संस्कार के लिए काम किया जा रहा है, तो उन क्लब के बच्चों को 26 जनवरी के दिन वीरता पुरस्कार के लिए चुना जाए। शर्मा ने कहा कि इन बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैप्पी क्लब धमरोल कोरोना काल में कोरोना के ग्रास बन रहे लोगों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं और अब तक 30 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं, इसलिए इन्हें आज सम्मानित किया गया है। रोहित ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि क्लब के सदस्य जिसमें 14 वर्षीय जानवी, हर्ष और कुणाल शामिल है, इनको 26 जनवरी के दिन सरकार के द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाए। क्लब के जो सदस्य हैं धमरोल से, वो हमारे आग्रह करने पर आज यहाँ गांधी चौक हमीरपुर में आए हैं और मैंने उनसे काफ़ी दिन पहले भी कांटेक्ट किया था, तो इनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। ये पहले हमीरपुर में ही जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है, जिनको दाह संस्कार में दिक्कत आ रही थी, उनके दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चला है कि इन्होंने मंडी जिला में भी, कांगड़ा में भी अपना काम शुरू किया है और वहाँ भी जिनके अंतिम संस्कार में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ ये लोग उसका अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। आज हैप्पी क्लब के सदस्य, हैप्पी क्लब की तरफ से उनके ज्योति जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ उनके एक भतीजे, हमारे छोटे शूरवीर जिनका नाम हर्ष है और वो 14 साल के हैं, वो भी आए हैं। और मुझे ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और बड़ी कह सकता हूँ कि खुशी हुई कि ये 14 साल का बच्चा भी इनके साथ दाह संस्कार में जाता है और शामिल होता है। इनके साथ इनके अपने सुपुत्र एक 9 साल के हैं, वो भी साथ में जाते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ दिन पहले बरसर के विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, वो अपने सुपुत्र के साथ ऐसे ही किसी बरसर में किसी की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार करने गए। मैं समझता हूँ इस तरह की जो विभूतियाँ हैं, इस तरह के जो नौजवान हैं, खासतौर पर ये जो 14 साल का बच्चा है या जो लखनपाल जी का बेटा है, इनको 26 जनवरी को इनकी वीरता पुरस्कार के लिए सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूँगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो इस तरह के जो वीर बच्चे हैं, जैसे हर्ष ये हैं, इनके साथ इनका कज़न है 9 साल का, और उसके अलावा जो लखनपाल जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनका नाम 26 जनवरी में जो वीरता पुरस्कार है उसके लिए रिकमेंड किया जाना चाहिए। आज अपनी तरफ से मैं हैप्पी क्लब सदस्यों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे इस सनातन धर्म में जो अंतिम क्रिया है और अंतिम संस्कार है, उसका एक बहुत महत्व है और उसके पीछे हम लोगों की आस्था है और हम लोग ये समझते हैं कि उसका तरीके, सही तरीके से उसका क्रियान्वयन करना बहुत ही आवश्यक है। और उसी कड़ी में हैप्पी क्लब सदस्य के जो लोग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, ये बहुत एक कह सकते हैं अनुकरणीय और अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम है जो ये लोग कर रहे हैं। मैं आज अपने सामर्थ्य अनुसार इनको आर्थिक रूप से भी सहायता कर रहा हूँ और इनको आज पीपी किट्स, सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स इनको आज मैंने भेंट किए हैं। और उसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि ऐसी संस्थाएं जो निस्वार्थ होकर के समाज में ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय काम लोगों के बीच में कर रहे हैं, ये सभी, इसलिए इनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से भी इनको समय समय पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए और मैं कहूँगा कि और लोग भी आगे आएँ और इस संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दें और बाकी लोग जो भी इसके साथ जुड़ना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा वो इनके साथ जुड़ें। इसी कड़ी में मेरा संपर्क इनके साथ काफ़ी दिन पहले हुआ था। हम ऐसी और संस्थाएं जो ऐसा अद्भुत काम और ऐसी एनजीओस जिला भर में जहां कहीं भी काम कर रही हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे, उनसे जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे और उनको अगर कोई सहायता की आवश्यकता होगी, हमारे जो हमारे जहन में आएगा या हमारी कैपेसिटी में होगा, हम उनको बढ़ चढ़ कर सहयोग करते रहेंगे। ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसी मेरी कोशिश है। मैं ये सब इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक आज की दौर में एक मीडिया एक ऐसा अग्रणी
एक ऐसा अग्रणी पिलर है, एक ऐसा चौथा लोकतंत्र में ऐसा एक लोकतंत्र में चौथा एक स्तंभ है जिसके ज़रिए हम लोगों तक इनकी बात पहुंचा सकते हैं, और एक ऐसा माध्यम आज के रूप में उभर कर आया है जिसके ज़रिए बहुत तेज़ी से लोगों में इस तरह की संस्थाओं के बारे में कोई व्यापक प्रचार किया जा सकता है। मैं एक बार फिर अंत में आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ सभी का, और आप सभी के आने का भी धन्यवाद करता हूँ, और इन सभी ज्योति क्लब वालों का इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक बार फिर अंत में इस बात को दोहराते हुए कि जो ये हमारे हर्ष जी हैं, जो नन्हे मुन्ने वीर हैं इनका, और जो जैसे हमने सुना है कि लखनपाल जी का पुत्र भी हैं, उनके भी बेटे ने ऐसा जाकर के एक अद्भुत परिचय दिया है साहस का, मैं कहूँगा कि इनके नाम 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार के लिए सरकार के द्वारा रिकमेंड होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वहीं हैप्पी क्लब धमरोल के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के समय में भी क्लब के सदस्यों के द्वारा काफी मात्रा में राशन बांटा गया था, तो 6 पॉजिटिव लोगों की मौत होने पर उनका दाह संस्कार भी किया गया था, और अब दोबारा से कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी 30 से ज्यादा कोविड से हुई मृतकों का दाह संस्कार करवा चुके हैं। उन्होंने एडवोकेट रोहित शर्मा का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह लोगों के द्वारा क्लब की सहायता किए जाने से क्लब के सदस्यों का मनोबल बढ़ रहा है। हमारा क्लब जो है लॉकडाउन के टाइम से ही सक्रिय है, और हमने लॉकडाउन के टाइम में 22 टन के करीब राशन बांटा। लॉकडाउन के टाइम ही हमने 6 पॉजिटिव का संस्कार किया। अब जो कोरोना कर्फ्यू चला हुआ है इसमें हम करीब 30 के करीब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट मंडी में संस्कार कर चुके हैं। मैं रोहित शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें पीपी किट, ग्लव्स, मास्क और कुछ राशि भेंट स्वरूप दी, जिससे हमारा जो है मनोबल आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि हैप्पी क्लब धमरोल के द्वारा कोरोना का ग्रास बन रहे लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है, तो इसके अलावा सैनिटाइजेशन का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।